गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जा रहा हूँ बर्ड वाचिंग एंड बर्ड्स के फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए ऐश डाइक एरिया में। ऐश डाइक एरिया एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एरिया है गाड़ी चलाने के लिए, जहाँ पे कार ले जाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी KTM को लेकर के जाऊँगा। KTM एडवेंचर 390 है मेरे पास में, और आज ही इसने 4000 किलोमीटर पूरे किए हैं। तो लास्ट वैलेंटाइंस डे पे ली थी। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, थोड़ी ठंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, सूरज को दिखाता हूँ। तो सूर्य भगवान जी उग रहे हैं और बहुत ही ठंडा, हल्की ठंड है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो मैं परफेक्टली रेडी हूँ, बस मेरे मित्र आ जाएं फिर हम निकलते हैं। और आपको साफ बैकग्राउंड में चिमनी और बादल भी दिख रहे होंगे। तो ये शुरुआत करते हैं आज की हमारी जर्नी की। NTPC ने एक फ्लोरा फोना के लिए एक, जो कि प्लांट से रिलेटेड हो, कोई एक कंपटीशन रखा है, और उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम ऐश डाइक पे जाएंगे और बर्ड्स के फ़ोटोग्राफ्स लेंगे। ऐश डाइक जनरली कहा जाता है कि बहुत ही बेकार एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐश ही ऐश इकट्ठी होती है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊँगा कि बर्ड्स की वजह से और वो एरिया कितना खूबसूरत हो सकता है। तो मैं रेडी हूँ, बस मैं अपने मित्र का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए गणेश निम सर, और फिर हम चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे मित्र आ गए हैं, और ये हैं गणेश निम सर, DGM है NTPC में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इनके फ़ोटोग्राफ्स छपे हैं, और इनके साथ जाने की वजह यही है कि मैं भी थोड़ी बहुत अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर लेता हूँ जब ये सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी की। दोस्तों, ऐश डाइक की जो रोड है ना, जो हम ऐश डाइक को जा रहे हैं, वो रास्ता आसान नहीं है, काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन ठीक है, वी विल एंजॉय। मुश्किल रास्तों से ही अच्छी जगह पहुंचा जाता है। तो दोस्तों, हम ऐश डाइक एरिया में एंट्री कर रहे हैं, और रोड थोड़ा है ही इसी तरह का रोड है कि मेरी बाइक की ज़रूरत तो है ही आज, तो ठीक है। सूर्य भगवान भी हमारे साथ हैं, तो चलिए आज देखते हैं हमें कितनी बर्ड्स दिखती हैं और हम कितने अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। और वो रहा हमारा प्लांट NTPC मौदा, इस देश की बिजली की आपूर्ति को पूरा करते हुए और घर घर में बिजली पहुंचाते हुए हमारी NTPC, इस देश की आन बान और शान महारत्न कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। तो हम ऐश डाइक एरिया में और अंदर जा रहे हैं। कुछ बटके दिखनी शुरू हुई है, लेकिन हमको कुछ और खूबसूरत पक्षी चाहिए, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बतख है। लेकिन हमको और थोड़े खूबसूरत पक्षी चाहिए, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमको एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी कॉर्मोरेंट दिखा है, हम उसके पास ही जा रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए, और देखिए, ये जो कॉर्मोरेंट है, ये मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाता है और इस तरीके से पंख खोल करके अपने विंग्स को ड्राई करता है। अभी इसने अपने पंख बंद कर लिए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखा था। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, उसने अपने पंख खोले हैं उन्हें सुखाने के लिए। और इधर साइड में आप देख पाएंगे, इधर ये पॉन्ड हेरून भी है बैठा हुआ। चलिए आगे चलते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
मोबाइल कैमरे की लिमिटेशन है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने एक और जगह गाड़ी रोकी है अभी, और कितने खूबसूरत पक्षी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए आपको अभी फ्रेम में टॉर्मोरेंट भी दिख रहा है और स्नेक बर्ड भी दिख रहा है, क्योंकि इसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है। दो दो टॉर्मोरेंट अपने पूरे पंख खोल के सुखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये अभी तक हम बैठे नहीं हैं अपनी जगह पे, और अब निम सर ने अपना कैमरा निकाल लिया है। और इनका 400mm लेंस है, कैनन का कैमरा है। थोड़ा आगे गीला है इसलिए पीछे बैठना पड़ रहा है, और निम सर ने अपने फोटोग्राफ्स लेने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी आवाज़ से बर्ड्स चले जाए। तो मैं भी अपना कैमरा निकालता हूँ और शुरुआत करता हूँ। दोस्तों ये रिंग पुलओवर छोटी सी चिड़िया हमारे पास आई थी, इसे कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं। एक दो और लेता हूँ वीडियो को, और मेरे बाकी वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार दीजिए जिससे कि मैं फोटोज खींचता रहूँ। चलिए नेक्स्ट बनता था रिंग। तो दोस्तों मैं ये छोटी सी चिड़िया रिंग पुलओवर हमारे पास आई है। मेरा ये जो कैमरा है ये 55-200 लेंस है इसका, और
800 की शटर स्पीड, 200 ISO और 5.6 के अपर्चर के साथ में फ़ोटो खींच रहा हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं भी 400 प्राइम लेंस, इस तरह के लेंस ले पाऊँगा जो लाख डेढ़ लाख रुपए के आते हैं, और बेटर फोटोग्राफी कर पाऊँगा। लेकिन तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे गणेश निम सर ने सिखाई है और बाकी बड़े बड़े फोटोग्राफर जिनसे मैंने बात की है, वो ये कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि गियर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये खाली इम्पॉर्टेंट नहीं कि गियर क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ले कौन रहा है। लेंगे ऐसे ही फोटोज और बर्ड्स को आने दीजिए। तो दोस्तों, मैंने जो अभी हमारी छोटी सी चिड़िया जो रिंग पुल ओवर का मैंने फ़ोटो लिया था, वो इस तरह से दिख रहा है, और आपको मैं ये फोटोज़ वीडियोस में एम्बेड करके भी दिखाऊंगा। शैडो बनता है सब्जेक्ट की तरफ होके, उसका जो 30 डिग्री का एंगल होता है उसमें जो फोटो आता है वो लाइट कंडीशन आपके फेवरेबल आती है और सब्जेक्ट आपका ढंग से इल्यूमिनेट होता है। तो कभी भी फोटो खींचे तो इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सर। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे निम सर एकदम लेट गए हैं ज़मीन पे फ़ोटो खींचने के लिए, और इसका रीज़न ये है कि अगर आप बर्ड के आई लेवल पे आके फ़ोटो खींचें और कैच लाइट उसकी आंखों में पड़े आपके फ़ोटो में, तो बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आते हैं, और उसके लिए आपको कई बार कपड़े भी गंदे करने पड़ते हैं और ज़मीन पर लेटना भी पड़ता है। चलिए, मैं भी ऐसा ही करता हूँ अब। दोस्तों, जैसे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी जब तक संत नहीं मिलेंगे, और जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक हरि नहीं मिलेंगे। और वैसे ही आज जब तक बजरंग बली की कृपा नहीं होगी ये बर्ड्स उड़ती हुई मेरी तरफ आएंगी नहीं, और जब तक ये मेरी तरफ उड़ती आएंगी नहीं मुझे एक अच्छा सा पोज मिलेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही पेशेंस का काम है। जितना ज़्यादा पेशेंस होगा उतना ही अच्छा फोटोग्राफ मिलेगा, किस्मत पे ज़रूर डिपेंड करता है। तो देखिए, वेट करता हूँ मैं, बजरंगबली का नाम लेता हूँ और बस पेशेंस के साथ मैं बैठता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जितने फोटोग्राफ ले पा रहे थे हमने लिए हैं, लेकिन सारे बर्ड्स जो हैं ज़्यादातर वो उस तरफ बैठे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे अब उस तरफ जाने की और वहाँ पे जाकर के सामने की तरफ जाकर के फिर फोटोग्राफ लेंगे। तो यहाँ से अब उठते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। आसान काम नहीं है, जाना पहुंचना, फ़ोटो खींचना, थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। अब ये पाइप के ऊपर से चल के जाना होगा क्योंकि नीचे पानी है, दलदल है। बर्ड्स वाचिंग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि आप जिधर जाओगे, अगर बर्ड्स वहाँ बैठी हुई आप उस तरफ जाओगे तो वो उड़ जाती हैं, और ये हुआ है अभी हमारे साथ में। हम पहुँचे जब तक बर्ड्स उड़ गई, लेकिन आगे कुछ हैं तो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक नया स्पॉट है, आपको बहुत सारे इग्रेट या बगलुए दिख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए, मैं भी उधर ही जाता हूँ। ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है और हम
लोग जहाँ तक पास आ सकते थे वहाँ तक आ गए हैं, अब यहीं रुक करके शॉट्स लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ छोटी बतख भी दिख रही है, लेकिन मज़ेदार शॉट्स तो यहाँ पे बगलों के आएंगे। तो चलिए बैठते हैं शांति से और इनके मूवमेंट का वेट करते हैं। दोस्तों ये एकदम परफेक्ट फिशिंग एरिया है एग्रेट्स के लिए। मैं लगातार यहाँ बैठ के उनके फ़ोटोज़ ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत सारे, ये देखिए फिर उड़ा। हर बार जब कोई एग्रेट उड़ता है तो वो फिश लेके वापस जाके बैठता है मोस्टली। देखिए लगातार ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे निम साहब नीचे बैठ के लगातार अपने 400 mm के लेंस से लगातार फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ इग्रेट है, किंगफिशर है, लिटिल ग्रैब है और पॉन्ड हेरून है। वो देखिए पॉन्ड हेरून कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी फिशिंग करता है ये। और हमारे इग्रेट, और ये देखिए यहाँ पास में आ गया हमारे ये लिटिल ग्रैब, गया अंदर। बहुत ही अच्छी फिशिंग कर रहे हैं, जब भी उड़ते हैं कुछ पकड़ते हैं और मुंह में लेके वापस पहुँच जाते हैं। डक्स हैं, बहुत अच्छा जगह है ये फ़ोटो खींचने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो लेते हैं और फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं आप कैमरे से, तब तक आप एंजॉय कीजिए। थोड़ी धूप तेज़ होने लगी है, अब ज़्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे क्योंकि अब गर्मी लगने लगी है। लेकिन देखिए ब्लैक शोल्डर स्टिल्ट भी आ गया है, काफ़ी पक्षी अब यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही जगह हो गई है फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए। तो ठीक है, लेते हैं कुछ और अच्छे फ़ोटोज़। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट स्पॉट है और
काफ़ी सारे बर्ड्स और डक्स हैं यहाँ पे भी। थोड़ी सी दूर है, मैं वेट करूँगा कि वो पास में आए। ये जो आप देख रहे हैं ये एश डाइक में, ये जो ब्राउन एंड ग्रीन कलर के अलावा जो आपको हल्का वाइट क्रीम सा दिख रहा हुआ, जैसे क्रीम होती है, ये सिनोस्फियर है। मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, बहुत वैल्यू है इसकी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में और सब में काफ़ी यूज़ है। बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है। फैक्ट्रीज में, पेंट्स में, काफ़ी जगह पेंट करने का जो मटेरियल है उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है। अभी थोड़ी सी हमारे बर्ड्स जो हैं वो थोड़े दूर हो गए हैं। आपको वो आगे बैठा हुआ हारून दिख रहा होगा, वो देखिए इधर, वो दिखाता हूँ। ये पॉन्ड हारून है। चलिए वेट करते हैं, ये थोड़े पास में आएंगे तब इनके फोटोग्राफ्स लेंगे। लगातार बिजली बनाते हुए ही, जब कोविड था और अभी भी कोविड है, लेकिन जब कोविड अपने पीक पे था और जब सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तब भी एनटीपीसी के इंजीनियर दिन रात लगे हुए थे, ना कोई छुट्टी ना कुछ, लगातार बिजली बनाते रहे। क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, ना अस्पतालों में वेंटिलेटर चलेंगे ना कुछ और चलेगा। अगर हमारे कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करें तो एनटीपीसी के जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो उनके साथ कदम से कदम मिला के लगातार रहे हैं, और यही इस देश की आन बान और शान एनटीपीसी महारत्ना कंपनी। चलिए अब हम भी घर चलते हैं। थैंक यू सो मच। Hey.
check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Sound right, boy.